तो फाइनली गाइस पहुंच गए नीम चरोली बाबा जी के धाम पे। सभी लोग बैठे हुए हैं, इसकी शक्ल देखो क्या हो बेटा, किसने मारी तू? ये सामने जहाँ तक फैल रहा है वो जंगल ही जंगल है। सो हेलो गाइस, क्या हालचाल, मैं तुम्हारा भाई तुषार मंगा। सो कैसे हैं आप सभी लोग? सो गाइस, बहुत दिनों बाद मैं अपना ब्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बिजी था। सो आज हम जा रहे हैं, रात को निकल रहे हैं वैसे हम नीम करोली बाबा जी के दर्शन करने के लिए। सो गाइस, इसलिए ब्लॉग शूट करना भी जरूरी था क्योंकि जब हम घूमने जाते हैं तो थोड़ी मस्तियाँ भी करते हैं और ब्लॉग भी शूट करने में तभी मज़ा आता है। सो गाइस, मिलते हैं बाबा जी के धाम पे, तो तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है, बाय। सो गाइस, हम लोग पहुँच गए मेरठ। सो पूरी फैमिली साथ है और रास्ते में ही अभी तो मेरठ ही पहुँचे हैं। फिर जैसे जैसे आगे चलते हैं तो फिर मैं आपको दिखाता रहूँगा, ठीक है। और फिर मैं तो सोच रहा हूँ डायरेक्ट अभी, क्योंकि मुझे ड्राइव भी मुझे ही करनी है, तो मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट नैनीताल पहुँचने के बाद ही आगे का ब्लॉग शूट करूँ। सो ड्राइव भी सेफ तरीके से करनी, की फैमिली साथ है। सो आगे ही चलने के बाद मैं वहीं जाके पूरा ब्लॉग शूट करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस, सुबह सुबह पहुँच गए हैं, 6 बजने वाले हैं। नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई है, अब थोड़ी देर रुक के व्यू के मज़े ले रहे हैं। तो ये है व्यू यहाँ का सुबह सुबह का, एकदम फ्रेश। अभी नीम करोली बाबा का मंदिर थोड़ा दूर है। नेक्स्ट बादल देखो घूमने। सो फाइनली गाइस पहुंच गए नीम चरोली बाबा जी के धाम पे, जो कि मेरे पीछे है। थोड़ी देर में पहुंचेंगे उधर की तरफ, फिर दिखाते हैं। मैं फ़ोन भूल क्या गया बस बताऊंगा, बड़ी सैड स्टोरी। सो गाइस पहुंच गए हम बाबा जी के धाम की तरफ, बढ़ रहे हैं। फैमिली मेंबर्स आ गए हैं और मैं पीछे हूँ। तो गाइस बाबा जी के दर्शन भी कर लिए और पूजा भी कर ली, मतलब मैंने हनुमान चालीसा भी पढ़ ली है, तो अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है तो इसलिए बाहर आकर वीडियो बना रहा हूँ। सो अब चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि घर वाले अंदर हैं और बाहर आते ही चलते हैं। सो गाइस, अभी कुछ खाने के लिए रुके हैं, तो घर वाले भी बैठे हैं, अब मैगी वैगी ऑर्डर की है, चाय वाय पीते हैं, फिर निकलते हैं घर के लिए। ऐसा घूमना होता हमारा तो एक दिन का। सभी लोग बैठे हुए हैं, इसकी शक्ल देखो क्या हो बेटा, किसने मारी तू? किसी ने पीटा तुझे? थक गई बेचारी, थक गई। तो भाई अब मैगी वैगी ऑर्डर की है, चाय वाय ऑर्डर की है, पी खा के अपना चलते हैं, फिर नीचे कुछ खाएंगे। ये भी एक छोटी सी झील है। और बाकी मज़ा आया मम्मी सफ़र में? थक गए, बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है ना भाई। परी बेचारी, परी रात भर पिटी है ये तो। किसने मारा बेटा तुझे? दांत तो दिखा दो अपने चार। अरे दिख ही गए, बारिश में यहाँ हल्की 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 है, मिनट मिनट में पहाड़ बरस रहे हैं, पहाड़ों पर जैसे बादल चल रहे हैं। समझ के परी दीदी, हंस के दिखा दो एक बार। उनका नाम है ना नीम करोली बाबा, हम नीम करोली बाबा कहें, नीम करोली बाबा, कैची धाम वाले। चलो तो मैगी देखो, मैगी खा रहा है, इसने मैगी ऑर्डर की थी इसने, लेकिन इसे नहीं खानी, अब इसे खानी है, ठीक है। अच्छा है, चलो बस। दीदी तुम क्या खान रही हो? गाइस मैं पहली बार आया हूँ नैनीताल, तो घर वाले अभी खाना वाना खा रहे हैं अपना। मैंने चाय पी, एक मैगी खाई और बस
क्योंकि सफ़र पे ज़्यादा खाया नहीं जाता, पेट में दिक्कत कर देता है इस वजह से। सो मैं पहली बार आया हूँ, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। व्यू यहाँ का ज़्यादा अच्छा है, मैं मसूरी भी घूमने गया था तो मसूरी से ज़्यादा अच्छा है यहाँ का नैनीताल का। और लेक काफ़ी है, जो कि एक लेक तो मेरे पीछे ही है। हाँ ये, और अगर वीडियो की क्लैरिटी अच्छी ना है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा आईफोन की बैटरी एकदम ख़त्म हो गई है और मुझे है ना एंड्रॉयड फ़ोन से मतलब शूट करना पड़ रहा है, वो भी बहन के, क्योंकि मेरे एंड्रॉयड फ़ोन की कंडीशन, कैमरे की कंडीशन आई मीन इससे भी घटिया है, तो इस वजह से। बाकी कुछ नहीं, बाकी अभी चल रहे हैं यहाँ से, खा पी के निकलते हैं, अब तो सीधा वैसे घर ही जाएंगे। सो व्लॉग तो अभी मैं रास्ते में गाड़ी में ही चला रहा हूँ तो शूट कम ही कर पाऊँगा। सो सॉरी मैं पूरा कवर नहीं कर पाया इस व्लॉग को, बट जितना भी कर पाया मैंने आप लोगों को दिखाया। और नेक्स्ट टाइम आएंगे तो अपना DSLR लेकर आएंगे अपना पूरा किट के साथ। सो तब लोग और अच्छे से शूट करेंगे, और इस बार भगवान ने चाहिए तो भोले बाबा के दर्शन करके आएंगे, अगर भोले बाबा ने बुलाया तो केदारनाथ जाएंगे तो वहाँ लोग शूट करेंगे और वहाँ दोस्तों के साथ जाएंगे। सो वहाँ थोड़ी ज़्यादा मस्ती हो जाएगी, क्योंकि फैमिली के साथ थोड़ा मस्ती नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं तो उनको संभालना है, फिर गाड़ी में मुझे चलाना। दोस्त के साथ तो ये होता है ना, चल भाई कमीने तू गाड़ी चला, मैं साइड में बैठ देता हूँ, थोड़ा ब्लॉग शूट कर लेता हूँ। इस वजह से टक्स और मेरे सामने जिम कॉर्बेट का पूरा जंगल, तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ देख लिया तो दिखाते हैं पूरा जंगल। ये सामने जहाँ तक फैल रहा है वो जंगल ही जंगल है पूरा। यहाँ पे अभी आएंगे नेक्स्ट टाइम घूमने, अभी तो नहीं। हाँ यहाँ पे सारे जानवर होंगे, शेर हाथी सब, हिरन विरन सब, शेर को देखेंगे नेक्स्ट टाइम। सो अब बस ब्रेक ख़त्म, अब निकलते हैं घर के लिए। ओके तो गाइस फाइनली हम आ गए घर वापस। इन दोनों की तबीयत रास्ते में हो गई थी कुछ ज़्यादा ही ख़राब, तो व्लॉग में शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा था और फिर इनको उल्टियाँ लग गई थी, क्योंकि पहाड़ों पे जब गाड़ी चलती है तो फिर दिमाग में एकदम वो होते हैं ना, घुमेर सी चढ़ती है, तो इस वजह से। तो अभी फ़िलहाल हम मार्केट आए हैं, मम्मी सब्जी लेने गई हुई हैं और फिर इनकी स्कूल के कुछ सामान है जो मुझे लेने हैं आज। क्या क्या लेने हैं दक्ष? और शीट और क्या लेना था, चार्ट पेपर। तो ठीक है, इन दोनों के चार्ट पेपर, A4 शीट और हाईलाइटर, ये दोनों लेके फिर हम मतलब कुछ चीज़ें और लेकर जो भी ये बोलेंगे उस टाइम पे जाके ये लेकर फिर निकलते हैं घर। ओके तो ठीक है। सो बारिश का माहौल हो चुका है और काफ़ी अच्छा मौसम हो चुका है, और परी मम्मी और शिखा गई है, कहाँ गई है भाई, सामान लेने, एक्टिविटी सामान लेने के लिए, और हम बैठे हैं दोनों गाड़ी में। सो अभी हम दोनों कर रहे हैं वेट, अभी थोड़ी देर में आने वाले होंगे वो लोग भी, और फिर चलते हैं घर की तरफ। मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर आज बारिश तकड़ी वाली पड़ जाए ना तो मज़ा ही आ जाए, फिर नहा लो यार ऐसी बारिश में, तो मजाक कर रहा हूँ, नहाऊंगा नहीं, तबीयत ख़राब है सभी की, इसकी भी। सो सामान हम लेकर आ चुके हैं, परी दिखा क्या क्या लेकर आई है। और स्केच पेन कहाँ है, पन्नी में स्केच पेन लाई के आई है हमारी माता श्री, और डबल साइडेड टेप दो लाइन और ये है। चलो भाई अब इसका करोगे क्या, वैसे क्या दिया है तुम्हें बनाने को, क्या दिया बताओ, एक्टिविटी दी है, वही नाम याद नहीं आ रहा उसका, टॉपिक है ग्रामर का। ओके तो गाइस सामान हमने ले लिया है, अब हम जा रहे हैं घर, और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, अभी दिखाता हूँ आपको, एकदम रंगीला हो रहा है, मतलब रंगीला आई मीन ठंडा एकदम सॉलिड वाला। सो गाइस फाइनली पहुँच गए हैं हम घर, सो व्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके बाय।